तो हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है और ऐसे में ये चर्चा भी लाजमी हो जाती है कि अब जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सीएम की तरफ से कितनी मेहनत की गई और सीएम कैसे नेता के तौर पर उभरे हैं। देश में नमो अगेन तो हरियाणा प्रदेश में मनो अगेन का नारा आखिर आज साकार हो ही गया। कुछ महीनों पहले हरियाणा में एक रैली करते हुए सीएम मनोहर ने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मनो अगेन का जो नारा दिया था वो अब सफल हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे से साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर सबसे ज्यादा बीजेपी को अपना समर्थन दिया है और मनो 2.0 की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले साल 2014 की विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी को अपार सफलता हासिल हुई थी, जिससे खुश होकर पार्टी ने उन्हें सत्ता की बागडोर सौंपी थी और इन 5 सालों में उन्होंने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए काम किया। उनके कामों का ही नतीजा है कि प्रदेश में एक बार फिर सत्ता का कमान बीजेपी के हाथों में है। चुनाव से पहले की हलचल की बात करें तो लगातार कांग्रेस में कई दौर पर मंथन चलता रहा। पहले अशोक तंवर को प्रदेशाध्यक्ष से हटाया गया तो दूसरी तरफ हुड्डा और कुमारी सैलजा को कमान दी गई। अशोक तंवर ने दिल्ली पहुंचकर खूब तमाशा किया जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। जनता का जनादेश आ गया है, गुटबाजी कांग्रेस पर हर बार हावी रहा है लेकिन अभी भी प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। देखिए ये मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक सही कहा है क्योंकि 3 महीने पहले 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हुआ था। जब प्रदेश के मुद्दों पे चुनाव हुआ तो 80 से घटके 40, 3 महीने में 22% वोट गिरना और सीटें आधी होना, ये एक इतिहास बनाया है खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा की प्रदेश सरकार ने। तो ये इतिहास जरूर हो सकता है, बाकी जनादेश भारतीय जनता पार्टी खिलाफ आया है, लोगों को पता है हरियाणा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम कल से अपील कर रहे हैं सभी निर्दलियों से और अपने रीजनल पार्टियों से कि वो लोग सारे साथ आएं। कल से हम अपील कर रहे हैं, हम संपर्क भी साध रहे हैं। मनोहर लाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और इन संगठनों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। आस्था और समर्पण भाव के कारण ही उन्होंने विवाह नहीं किया। मनोहर लाल आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने में उनको कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। उनके मुकद्दर ने उनका तब साथ दिया जब देश की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आई। मनोहर लाल बीजेपी में सादा जीवन और साफ सुथरी छवि वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर काम पूरी शिद्दत के साथ करते हैं और उतनी ही कुशलता से करवाते भी हैं। पर्दे के पीछे से पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करते रहने वाले मनोहर ने बीजेपी में अक्सर अपने संगठन कौशल का लोहा मनवाया। इस बार चुनाव की अगर बात करें तो जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम का लगातार लोगों के बीच पहुंचना, सरकार की उपलब्धि बताना, जन जन तक पहुंचना, 90 हलकों का दौरा आसान नहीं रहा। उसके तुरंत बाद सीएम ने ये भी ऐलान किया कि 90 हलकों में प्रचार के लिए दोबारा जाऊंगा और मनोहर लाल पहुंचे भी, जोर शोर से चुनाव प्रचार भी किया जिसका परिणाम आज देखने को मिला और सीएम ने जादुई आंकड़ा पार कर लिया। मनोहर लाल ने पूरी सरकार में पारदर्शिता की नीति लागू करके जनता को भागीदार बनाया। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव 2019 में हरियाणा की 10 की 10 सीटें प्राप्त की। फिर विधानसभा चुनाव में पूरी पार्टी को अपने कंधों पर लेकर चले और लगातार दूसरी बार सरकार बना रहे हैं। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।